बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं और कई बार इसके चलते ट्रोल भी हो जाते हैं और विवादों से घिर जाती हैं। कंगना के इस बेबाक अंदाज को देखते हुए काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्ट्रेस राजनीति में एंट्री कर सकती है। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि कंगना लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इन खबरों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कंगना रनौत के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के रूमर्स तो फैले हुए हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ चर्चा हो रही है कि कंगना को बीजेपी के टिकट पर हिमाचल की मंडी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं कंगना भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। ऐसे में एक्ट्रेस को हिमाचल की मंडी से मजबूत दावेदार माना जा रहा है। ये भी बता दें कि बीजेपी अब तक हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर चुकी है। 2 सीटें कांगड़ा और मंडी बची हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी मंडी सीट से उम्मीदवारी के लिए कई नामों पर विचार कर रही है, जिनमें कंगना रनौत का नाम भी शामिल है। बता दें कि इस सीट से फिलहाल कांग्रेस की नेता और हिमाचल की दानी प्रतिभा सिंह सांसद हैं। एबीपी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल प्रतिभा सिंह ने चुनाव ना लड़ने की इच्छा हाईकमान के सामने रखी है। तो अब मंडी में रानी वर्सेस क्वीन का मुकाबला होता है नहीं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि राजनीति में आने को लेकर कंगना ने क्या कहा था। हाल ही में एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने चुनाव को लेकर कहा था कि मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ये ऐलान करने के लिए ये सही जगह और सही समय नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका ऐलान पार्टी अपने हिसाब से और सही समय पर सही जगह करेगी। हालांकि कंगना रनौत ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बातों से भी इनकार नहीं किया है। तो सीधे सीधे तौर पर अभी साफ नहीं हुआ है कि कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगी या नहीं, लेकिन अटकलें तेज हैं।